Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. First of all, I want to thank you guys for an amazing response on all of the videos, and you guys are so sweet. I read all the comments. सबसे ज़्यादा questions मुझे DMs या messages हमेशा इस video के regarding आते हैं कि हम silver jewelry कैसे पहने हैं, हम jewelry कैसे पहने हैं, उसको अपनी daily life का part कैसे बनाएं. Basically jewelry styling. So आज मैं आपसे 3-4 ways share करूँगी जो आपके पास already घर पे jewelry पड़ी है. Daily wear wardrobe का part कैसे बना सकते हो. Hope you guys enjoy the video. This will be a new series. Let's keep this series Kritika Styles. Hashtag Kritika Styles. So without any further ado, let's get into the video. So first look, मैं fusion करना चाहती थी. And usually मेरा यही style है. मैं ये बहुत करती हूँ. Like I take a crop top or a top from my closet and pair it with a palazzo or a ghagra skirt. So off shoulder top है. That means यहाँ पर काफी room है to accessorize. So I'm wearing this very thick choker which I love. और look को मैंने छोटी झुमकी से खत्म कर दिया कि ज़्यादा over ना लगे. I think ये look perfect है when you're going out for shopping with your friends or just a movie date. I think this is a really nice look and you can even go ahead and आप इसमें silver bangles भी add कर सकते हो. Guys, मैं इतनी smart हूँ, मैंने clip record ही नहीं करी थी, मैंने button ही नहीं दबाया था record का, तो ये next day shoot हुआ है इसलिए थोड़ा सा different लग रहा है. But white top सबकी closet में होता है, it's wardrobe staple. तो इसके साथ आप स्टेटमेंट ईयरिंग पहन लो या फिर एक चोकर पहन लो या फिर आप लेयर कर लो नेक पीस. इफ़ यू डोंट लाइक एक्सेसराइजिंग टू मच बट स्टिल यू वांट टू ट्राई योर हैंड्स एट इट, आप इसके साथ सिर्फ हैंड पेंटेड वाले ईयरिंग्स डाले, आप ये भी डाल सकते हो. आई गॉट दिस फ्रॉम आजियो एंड काफ़ी सही प्राइस पर मिल गए थे. आई थिंक वो 300 और 500 रुपीज़ के साथ. अब एक बंजारा बैग ले लो जैसे मैंने ले रखा है इसमें एंड यू गुड टू गो. इट्स अ वेरी बेसिक लुक बट यू कैन मेक अ स्टेटमेंट विद योर ईयरिंग्स एंड बैग. नेक्स्ट लुक मुझे प्रिंटेड कुर्ते के साथ दिखानी थी. आई रियली लव द कलर. ये एक्चुअली एक ड्रेस है जो मैंने शीन से ली थी बट मैं इसको कुर्ते की तरह पहनती हूँ जीन्स के साथ. एंड कैसे आप एलिवेट कर सकते हो अपने लुक को किसी फैमिली फंक्शन के लिए जिसपे आपको प्रॉपर शादी रेडी नहीं होना होता बट आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और अच्छा लगना होता है. आप अपने गोल्डन ईयरिंग्स ले लो और किसी भी आउटफिट के साथ उसको पेयर करोगे ना, थोड़ा सा एलिवेट वो कर देता है लुक को और वो थोड़े से फैंसी क्लासी और शीक लगते हैं. आई हैव टाइड माई हेयर एंड दैट्स अबाउट इट. नेक्स्ट अप, ये मैंने मम्मी की क्लोजेट से चुराया वाइट सूट बट आई थिंक मुझे कभी भी चांस मिले ना कहीं ड्रेसअप होने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए ना, मुझे इंडियन वेयर बहुत पसंद है. इसमें ना गोल्डन बीड्स लगे हुए हैं पूरे सूट पे थोड़े थोड़े, तो मैंने इसके साथ गोल्डन चोकर और ये गोल्डन ईयरिंग्स डाल लिए. एंड ये जो गोल्डन चोकर है ना काफ़ी इंट्रिकेट है तो इसके साथ काफ़ी प्रिटी लगता है. अगर आपको सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना तो मेक श्योर यू गो फॉर ज्वेलरी विच इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड स्मॉल. एंड आई थिंक ये लुक परफेक्टली सूट करेगा जब आपके घर पर कोई छोटा फंक्शन है या दिवाली पार्टी है, ईद आ रही है. एंड यू कैन कम्प्लीटली रॉक दिस लुक. यू कैन इवन स्विच इट विद सिल्वर ज्वेलरी. एंड मैंने बिंदी ऐड कर ली और एक लोबन बना लिया. आई थिंक ये फेवरेट लुक है. आई होप यू गाइज एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड. So I hope you guys enjoyed the first episode of Hashtag Kritika Styles. If you have any questions or queries, comment down below. अगर आपके पास कोई प्लाजो पड़ा है या कोई यू डोंट नो हाउ टू स्टाइल एंड इसको कैसे पहना जाए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड जो भी टॉप कॉमेंट्स होंगे वील मेक श्योर दैट नेक्स्ट एपिसोड उसका हो. एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज. Also comment down below which is your favorite outfit. I think the white one has to be my favorite. So I'll be reading all your comments. Comment down below and don't forget to subscribe. Bye guys.